अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मंजर पस मंजर में आऊं तां मेज़बान फहीम बबर। नाज़रीन, अज के प्रोग्राम में गाल बोल कंदासीं मुल्क जी ताज़ी सियासी सूरत हाल के हवाले से, खास तौर से गाल बोल कयूं त नवाज़ शरीफ साहब जी वापस आया तो मुल्क की जी सियासी सूरत हाल थोड़ी चेंज थी पी वे, खास तौर से जी इलेक्शन वेझा अचन पा इतिहादी, जी गुजरियल टन ओवर में दिठोसी तो नून लीग से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गड न सिर्फ इलेक्शन विड़ी पर गड सियासत क्यों, हाँ जी रस्ता धारदार थींदा नजर अचन पा नून लीग एम क्यू एम से ठा कर इलेक्शन गड विढ़ने जो फैसलो किया। बे पास जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आसिफ जरदारी साहब जो चवण है तो खेन का भी परवाह ना है, भले केर भी सामू अचे असा विन कंदी। सूरत हाल ढी जो दिलचस्प थी पी वे, जहर इलेक्शन जैसे वेझी इंदी है तो मुख्तलिफ मामला सामू इंदा, मुख्तलिफ चेंजिंग सामू इंदी, पॉलिटिकल जो गेमा गेमी है वह वी है। तो इन वक्त भी जो सूरत हाल है तमाम घड़ी जी दिलचस्प है पाकिस्तान की, तो जो सियासी जो हलचल है या सियासी जो मंजरनामो है वो डे बाय डे चेंज भी पे वे। इन सजी सूरत हाल से गाल बोल कंदी असें जॉइन किया मुश्ताक मीरानी साहब, सीनियर तजिया निगार मुआशी माहिर, उनसा गड फहीम नुनारी साहब हैं समाजी अगवान। साई तिन्हीं की वही वही मुश्ताक साहब, कें पाया ऐसो सजी सूरत हाल के ढी, जी नवाज शरीफ साहब की एंट्री थी उनका सूरत हाल हुई हुई जो है नून लीग ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच में जो वेछा शुरू थे रिजल्ट भी सामू अचान शुरू थी वही। इन वक्त कंडीशन ऐसो पाया थोड़ा बैकग्राउंड में वो पाकिस्तान की सियासत में यो ही नवाज शरीफ हो 1988 के इलेक्शन में जी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नुसरत भुट्टो साहिबा जहा गलत फोटू जो लाहौर में हेलीकॉप्टर के थ्रू करायों अल्टीमेटली उन्हें जो जेड़ो थो वरी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंडन में जो सो साइन क्यों वरी उन मोटी आया जैसे हाँ वेझो जो तजुर्बो आ जैसे ही पीडीएम के गर्जी हुकूमत कई तो हालत यह है जो बिलावल चवंद तो इन हुकूमत में तो असू पर यो असो फैसलो ना है दुनिया के कें भी कानून में को जैसे कैबिनेट जो हिस्सों आयो वरी पांजो जरदारी भी यो बयान दिनों तो अस करायोसी शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर पर उन डिलीवर न कयो अल्टीमेटली इन विच में जो एक बे ब्लेम में तो चवण जो मकसद आ अच्छा बो इमरान खान की दुश्मनी में बई गडन तो ये पाकिस्तान की सियासत उसूली सियासत ना है दुनिया में बे हंध किथे न थींदो आ जैसे ब या टे पार्टीज होंगे वो पाँ उसूल मुताबिक कंदा भली खटन या हारन ठीक इतने यो है असें इकतदार आनो है सुबह जो गड हूँ शाम जो गड हूँ तेज कर प्रोग्राम आतबार न कर ज्या के दौर में एक मशहूर हो सी एम एल ए कैंसल माई लास्ट अनाउंसमेंट ठीक तेज कर सुबह का वी रात ती ही बयान जो कैंसल कह असो हाँ अवाम जो इन सभी एतमाद ना मान उन बाकी उन्होंने धंधो आ पाया बयान कढ़न ही कढ़न पर यो जरूर जहन में रखो जो हाँ ताज़ी रिपोर्ट पे आई है अगत हली जो जिक्र कदम तो मानून के मसलन के लिए इन कें भी हुकूमत वट को प्लान को प्लान को मानू बेजार थी नुनारी साहब तक पाया सही सूरत हाल के बुनियादी गाल यह है सियासत जो सरमादार करे तो जागीरदार करे तो उनको बुनियाद इन ठगी से कूड़ से बोतानबाजी से है बाकी जितने कदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो अमल आ वो तो साफ शफाफ हो तो साहब हुए बुर्दवारी हुए पेशेंस हुए वह रवादारी वाली पेशेंस वाली पॉलिटिक्स पाकिस्तान में कोने जरदारी साहब नवाज शरीफ से पीडीएम में गडो समद अचक से ही हो समद अचक से ही कल ढी सुी स्टेटमेंट डी मां उनके क्रिटिकल तर ऐसा पे चो तो मैं इन पीडीएम वाले के चुम तो इमरान खान की दुश्मनी में एतो अगत न वो जो पोते मोटी न डेमोक्रेटिक प्रोसेस अज तुम क्या सुबह तह सही सो हाँ बुनियादी मामलो इन जै नमूने से प्ले महमूद अचक सही एग्जैक्टली महमूद अचक सही तो हाँ पीपल पार्टी की कोशिश है कें भी उनसे कैंपेन असाजी पंजाब में सर थी हुए नवाज की पर हाँ ताज़ो पंजाब में थी आयम उत पोलिटिकल मानून से मुलाकात क्यों से टीवी टॉक शो में शरीक थे कुछ दोस्त गाल कन पा तो नवाज लीग के चे तो वोट कोने इलेक्शन में नहीं सिलेक्टेड सिलेक्शन में
ए नंबर से पीपल पार्टी तो उतने गुम आ सजे मंजरनामे का स्टेब्लिशमेंट की जी कंसेंट वठण लाइ कल जरदारी साहब की स्टेटमेंट तुम ऐसो तो जो गोवर पैलेस में खिताब कई चीं तो मैं सराइकी में भी सगा तो सिंधी में भी गाल पर अड़ी बोली में गालम जो देखने वाली आँखें और सुनने वाले कान मैसेज समझ सके उनमें तो तिठो है अफगान मसले से चीं तो 40 साल का गरीब रहा पायान असाजा मेहमान तो हाँ केदा वा ते कर सिंध है सिंध में मकसद आ ही जी लेवल प्लेइंग फील्ड है पीपल पार्टी थी सके तो ही उनमें कुछ नंबर्स वे बाकी पंजाब में तो असें गुम थी नजर अचे। अच्छा सिंध में भी सूरताल अगर जो अगर एम के एम नून लीग से ठा थी करे तो पूरी कराची ज़ारा एस्टेब्लिशमेंट है उनजो वत हों ने बता सो ये सिग्नल्स हैं इंडिकेटर्स हैं बाबा नवाज शरीफ के वी आया अकॉर्ड था तो ही पावर मकसद आ पावर ते कर एम क्यू एम हमेशा पावर कॉरिडोर में रहो या भी डायरेक्शन कें ताकतवर धुर की बाबा तुम सिंध में मुख्तलिफ धुरू गडाए कर प्लेटफॉर्म ठाओ जी अस इनके कें भी मुझसे स्प्लिट क्यों पर ये नो लगे मकसद पार्टी लगे थी तक वो है उनमें एग्जिस्ट कहीं सर ये जो जो नुनाइट साहब गाल जो जरदारी साहब वो जो बयान है तो भाई ये अगवानी जी ये रहन भले अड़ी तरीके से कुछ ढी पैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बयान हो तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन न कई वे उन्होंने तरीक़ेकार अगवान के कढ़ण जो थोड़ा बदलाय वे तो इनकी जहाँ सिंपथी है खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पास असूँ पाया तो पंजाब में या इस्लामाबाद में उन्होंने फोर्सली जो है उतना मानन के कढ़ो है उनके गाड़ी दिन उनके एक्टिवली जो है लखन की तादाद में मानू मूव कन पाया उन्होंने सूबन में असं सिंध में जैसे सूरत ऐसा अस तो वरी भी पास रिट भी चैलेंज थे थी बे पास सागुणा जो बदमाश हैं वो गारियों डींदे भी नजर अचन था वही असा जो हुकुमरान उनके दिल में जायूँ दिन सॉफ्ट कॉर्नर पैदा थी यो जहन में रखो तो एस्टेब्लिशमेंट एंड पीपल्स पार्टी गडो गड उठवंजा में यो ही जुल्फकार भुट्टो हो जै मार्शल से गड इक्तदार में अची जो वजीर थो यो ही जुल्फकार भुट्टो हो जो अयूब खान के सपोर्ट कें यो ही जुल्फकार भुट्टो हो जै बंगाल के कतलेआम का जो सो इक्तदार उनके मिलो जो कानूनी तौर उनके न मिलो वो ठीक है यो इन बेनज़ीर भुट्टो जैसे 1988 में यो खटी आई तो उनके 21 दिन चवन था तो पाँजो इक्तदार न पाया दियन जेस तई उन चवण मुताबिक कंडीशन न पई हो करे उन तिठो तो ही जैसे बेनज़ीर भुट्टो वेचारे की शहादत थी उन जै नमूने के इक्तदार मिलो जरदारी के उन मलक रियाज आयो उनके सिंध ज ते कर पीपल्स पार्टी एसेंशली सिंध मुखालिफ आ सिंध दुश्मन आ इन में कोई शक ही ना हर जरद इन जमीनू दियण ते कर हाँ इो जरूर आए तो पीपल्स पार्टी के ही जहन में आए तो मां पठान के मानुन जा वोट कराची में भी वा के पी के में वा ते जाहरी तौर हमदर्दी तो दिखारे तो ह्यूमन राइट्स है अस पीपल्स पार्टी का यो सवाल था क्यों तो 1947 का वी जैसे सिंध चवे थी तो अस धारिया न अचन उन ठीक ये तो हाँ मुजाहरा था मुजाहरा तो को कन बयान था कडन यो पूरे 70 साल में सिंध के मुफादन लाइ पीपल्स पार्टी जो उनके अस ते क्लियर कट हाँ पो भी सिंध दुश्मन जो किरदार पीपल्स पार्टी कंदी रही प्रैक्टिकली जो असूँ था सही साहब ये ज़ाहिर अफगानिस्तान वो जो मामलो है अफगानियन तो इतने तो सिर्फ अफगानियन की गाल ही कान्ह गैर कानूनी ए जे परे तरसल केर भी हो उन्होंने इतने सिर्फ अस डिस्कस अगवानी था थन तो सूरत हाल कराची जी अगर ऐसा तो कराची में तो मुख्तलिफ कौमून मुख्तलिफ मुल्क जहाँ मानू रहल उन्होंने रहन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या के पॉलिटिकल पार्टी के फायद बर्मी बंगाली बिहारी ए मुख्तलिफ मकसद सेक्टर में बया हिंदुस्तान का तक क्रॉपर बॉर्डर बेन का फ्रीक्वेंटली इंदा रहा पीपल्स पार्टी शुरू का वी धारी आबादगारी के सपोर्ट कंदी रही है ठीक है वह सागी इंडोर्स क्यों था मुश्ताक साहब सही तो चे पीपल पार्टी हाँ जरदारी साहब की सागी स्टेटमेंट है
पर असंदे तो यू एन ओ के चार्टर तहत बुनियादी तरह जिथे भी पनाह गुजीन होंदा तो उन्होंने पनाह इन कर इंसानी हकन के बुनियादी हाँ बुनियादी तर मामलो आ जैसे त पाकिस्तान डीस्टेबिलाइज है इकोनॉमी तौर से बो डिसइंटीग्रेशन है सोशली तरह तो अफगानिस्तान तो इंटीग्रेट है अफगानिस्तान में अमोन सिचुएशन बेहतर है रूल ऑफ लॉ है डॉलर तुम इन वक्त अज 54 रुपया है तुम 286 रुपया है तो उ पुरामन नमूने से जो इतने आया अज का 40 साल भरी अग तो पीपल पार्टी के कड़ो मत जो सूर है जो उनके डिफेंड करे थी सुप्रीम कोर्ट में पहती है तो वह तो स्टैंड वे पीपल पार्टी सिंधु जमायत है जो सिंध की इंटीग्रेशन खतरे से है सिंधु की इकोनॉमी रिस्क से है सिंधु की जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये मूल डिस्टर्ब कर वेठा सिर्फ अफगान न तो चाहें बर्मी बिहारी तो खतरनाक साइलेंट किलर है वो चवन था असो सवाल किया कें प्रोफेसर का वो पर्सनली उते मुझे आप लोग क्यों इनके खिलाफ नहीं है चाहिए वो तो उर्दू बोलते हैं सब अफगानी में तो ही तो चाहन था मकसद वो यूनिट ठे अगत मकसद को वरी बो मेमण मचाएन ये वही साजिश है सिंध खिलाफ तेकर पीपल पार्टी के सिंधी मू अल छो मुख्य समझ में भी नी अचे वरी वरी उनके वोट दिन था या वही दबा ही पा भरन था मैनेज कन था रिकिंग थे थी तो इन वक्त इन पीपल पार्टी के प्लेन मकसद आ पीपल पार्टी नुमाइंदन का जैसे भी 78 से अनाउंस किया इलेक्शन तो ये क्वेश्चन करने का सिंध दुश्मनी में का गाल घटाई जुल्फ़ अली भुट्टे के दौर का मुश्ताक साहब सजे तक डिटेल दिनी तो क्रोनोलॉजिकल असो यंगेस्टर बिल्कुल ये सवाल कह इलेक्शन में इनका हाँ मूँ मुझे हाँ जहाँ सोशल मीडिया है मूँ थोड़ा एक्टिव थे सवाल थन था तो हि जन वक्त पा गाल क्यों पा तो भी हिंदी इंदड़ इलेक्शन है तुम समझो जहर ही सन्यावंद मूँ सिविल सोसाइटी जहाँ मूँ मुसलसल एहतजाज कन पे ठीक पॉलिटिकल जमायतू खी को कन पर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तो ठीक है उन्होंने पर एम क्यू में या बूं जो पॉलिटिकल धुरियन उन्हें भी सिंपथी लगे पी इन अफगान या वो जो गैर मुल्की तरसल मूँ उन ऐसो एम क्यू एम के तो फायद आ न एम क्यू एम के जो एकड़ो टारगेट आ कराची में सिंधी न अचन ठीक असो तो तारीखी शहर आ न दुनिया के कें भी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक असें यो राइट ना कर सकन तो पूरा उन अगत हली अस दिखारी जो कराची शहर में सिंधी 100 सैकड़ो 7 सैकड़ो तेरे कराची के सूबो वो लॉन्ग टर्म ना हाँ तो जैसे उन्होंने इकतदार मिलो तो इन ही अफगान के खिलाफ ही कम कंदा इन ही बंगाल के खिलाफ कम कंदा इन बिरमान के खिलाफ कम कंदा तेज कर उसूल के खिलाफ त कम कन पर उन टारगेट जो है सिंधी न अचन छो जो उन्हें खबर आ लॉन्ग टर्म में जैसे डेमोग्राफी से का भी का अड़ी चेंज इंदी तो चवे सिंधी केतो परसेंटेज है तेज कर बो जो सवाल है तो इतने जो कर चाहो जुदा तो बो ये फर्स्ट इनमें फहीम साहब एक सुी आइडिया कड़ी या डिस्कशन कई सिलेक्शन जी इलेक्शन थी या इलेक्शन सिलेक्शन हाँ सवाल हाँ यो इम्पॉर्टेंट आसके डिस्कशन करना घुर्जे तो यह इंदड़ इलेक्शन सिलेक्शन वाली होंगी माना जमहूरी हवाले से इलेक्शन थी या इलेक्शन थप्पा हणी कें मानून के ता कर यो सवाल ता ठीक है यो ब्रेक वठी टू ब्रेक अप इन ते गाल बोल कंदा नादिन गाल बोल सिलसिला जारी है वठो ता शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम मंजर पस मंजर में गाल बोल क्यों पे मुल्क की जी करंट सूरत आला खास तौर से अफगानी और मामलो इलेक्शन वेझो है इलेक्शन जी जहर चौबोल है इलेक्शन के लिए तैयारियों लास्ट डेट भी अची चुकी है इलेक्शन के हवाले से पॉलिटिकल पार्टियों जो जलसा भी कन पे तो मीरान साहब जो ब्रेक का पैर तुम गाल कई पे तो भी जहर है हाँ जो इंदड़ हूँ तो जो असं ऐसूँ पाया जो असर प्रीवियस रो है रिकॉर्ड असा मुल्क तजुर्बो रो है तो असा थी तो सिलेक्शन है इन भेरे कि पाया ऐसो तुम हाँ महीना अग में आर्टिकल हमसरी में लिखो तो साफ एंड शिफाफ चूंड ठीक उन्होंने भाई आर्टिकल लिखो उनमें सभी आर्ग्यूमेंट्स ये दिया तो इलेक्शन का पैरियों एकड़ो माहौल क्रिएट किया वेंदो ठीक उन में हर इंसान आज़ाद महसूस करे तवा शहरी आयो दोस्त जो
फील कनि ठीक है मां इलेक्शन लड़ा पर उनके खतरो न हो जे तो मां इलेक्शन में बीहण में मुखे ही नुकसान दींदा बियो जो को वोट दे थो वो भी फ्री पान के फील करे सही तो मुझे मर्जी आ तो मां फहीम के वोट दिया या नूनारी साहब के वोट दिया या दे के वोट दिया मतलब कंप्लीटली फ्रीडम जी असा बेन मुल्कन जो भी तजुर्बो उते भी इलेक्शन थी थन हर वक्त में ट्रंप जी इलेक्शन भी असा डिठी थे ठीक है पर इतने बदकिस्मती असा फ्री फेयर इलेक्शन जाहरी तौर चवन हाँ वाह ये तो इनके वोट था दियन पर ये ना घट में घट तो माहौल क्रिएट कर मानू के फील थे ऑफिसर जो जो मशीनरी फ्रीडम फील करे मीडिया फ्रीडम मतलब आज़ाद हो अच्छा वरी सिर्फ यो ना आज़ाद चूंडन में जे खटी अचन उन्होंने नतीजन के भी कबूल कर पार्ट आई न तो सुबह तुम खटी अचो नूनारी साहब खटी अचे मां न बाबा तुम रिगिंग कई है ना मुबारकबाद दिया खटी आयो मैं हारा वियम कोई इनको इशू ना तेज कर सजी दुनिया की खबर आ पाकिस्तान में जे भी इलेक्शन थे थी उसे धुर वागुर होंगी शिफाफ न होंगी आज़ाद न होंगी तेज कर हाँ भी दिसो ना मिसाल तौर शायद तवे मीडिया से हो पार्टी शायद थी वन तो एक पार्टी आ उन भाई जो तुम नालो ना खी सको उनको तुम पिक्चर ना दई सको उनके त उते ही पार्टी के चो था तो भली जुलू जलसो करे उनके ता चो था जलसो न करे तो यो साबित होते इन जो मकसद यो है तो अणधुरी इलेक्शन कौन थी थे या मिसाल तौर जेको मेंबर्स थी वेंदा मिसाल फॉर्म भराइंदा उन जो तुम गिरफ्तार करे छो या इतने तुम सिंध में ऐसो तुम्हें लोकल बॉडीज में सो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जो वेठ कैंडिडेट हा उन वेचारे हालत कड़ी थी तो नवाब शाह में ऐसो बे हंध जो रात रात में जो सो उन बैलेट पेपर चेंज थे उनके खटड़न के हारा इनके फ्री फेयर इलेक्शन अच्छे अच्छा बो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स यूएनओ वट भी स्टैंडर्ड्स आज़ाद इलेक्शन के लिए ही कंडीशन कंडीशन ना है तो फ्री अच्छा नूरानी साहब जो गाल कही है मीरानी साहब इन हिसाब से यूएनओ हो बहर जो बहर मुल्क परे उन असो कॉन्सेप्ट गाल शेयर कर पॉइंट अगे यूएनओ जो यूनिसेफ जो स्लोगन हो तो लिटरेसी माना मानू पांजी साइन करे सके नालो पढ़ी सके अंग पढ़ी सके हाने जो मॉडरेट कियो आहे यूएनओ यूनिसेफ पंजो तो लिटरेसी हुआ जो कंप्यूटर ऑपरेट करे सके एडवांस हो जे वो लिटरेसी सिविल सोसाइटी सुजान दुरियों पाकिस्तान अंदर जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो चाहन था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस टीरेल न थे छो पाकिस्तान में 37 साल टीरेल रहो असी सब चाहूँ था जो भी सुजान मानू आयो तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जारी रहे उनमें सहब रवादारी रिजिलेंस या वधे सही पर हाँ बुनियादी तरह जो आसा पो सो सेटअप के पाकिस्तान के सजी सारी वॉच क्यों पा तो उनमें मुख्य तो चूंडू थन्दे ही नजर नी अचन इंडिविजुअल मुझे जो नुक्त नजर आ पढ़ा अजोकी डान में भी खत आया अव ती वो जैसे चीफ जस्टिस घुराया इनके प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कमिश्नर के तो वह सजी रिपोर्ट पे पढ़ने जड़ी है तो रिलेक्टेंट हो असो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वरी वापस आयो आ हैरानगी जो इजहार किया है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्शन की तारीख अची वही यानी कि कैबिनेट है इन जन मानू था उथे वे तो जो धुरियो वो चाहन को बाकी ही असा चाहिए रात जो ही गेट नंबर जो तबर आजन था उतने तो थे वो सब कुछ थे तो अस ना चाहूँ तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस रुक वे पर ये इम्कानी तरह ये गाल सवाल आ जैसे भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ही आनन था सिलेक्शन थे थी एक मेजॉरिटी में पार्टी आ या सिंध खुद धुर आ सिंध में जैसे दबा भरे जरदारी साहब के दिन था जरदारी साहब ऐसो ना सब चैम्पियन हथ करे तो जी मॉडरेट जी फ्यूडरल न्यू लिबरल फ्यूडरल उन क्रिमिनल की दुनिया जहाँ बादशाह और तेरे चैनल से गलो ब्रिगेडियर राशिद भी गुड वेठो मुझे चीज तो पानी घड़ो है मैं चो ब्रिगेडियर साहब मैं ग्रोइंग बॉय हूँ कंदकोट का मैं लीड कर रहा हूँ ये रिस्क ले रहा
आप चलें, पानी एक इंच भी नहीं है उधर। दो सरदारों को हैंग कर दें नाक के लिए डाल के, सारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दुरुस्त हो जाएगी। आपकी करने नहीं चाहिए। जब वो बंदा जिसको भेजा है, वो वर्दी वाला, वो जाके मदारी साहब के साथ कप ऑफ टी ले रहा है, जो खुद क्रिमिनल का बादशाह है, तो अभी ढकी छुपी बात तो नहीं है। मैंने कहा तो बुनियादी तरह पॉलिटिक्स में दुनिया जी जेकी मंजर आ उन में तां ॾिसो त डी रेल थंडन होतन हर पासे, पर असां वटि मतलब भूटान, नेपाल, इंडिया, अफगानिस्तान, हिते त मामिलो आहे। त ख़ुदा करे ईअं न थिए, ख़ुदा करे। अच्छा मीरण साहब, ही जेका नुनर साहब वारी ॻाल्हि त डी रेल मतलब असां वटि त हलाइणी कोन ॾिनो आहे जॾहिं खां बि पाकिस्तान वजूद में आयो आहे। उन खां पोइ जेके मसला मामला जेके तव्हां डिस्कस कंदा रहंदा आहियो मुख़्तलिफ़ हवालनि सां, हिन वक़्तु जेका पाण अगरि सिंध जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त नून लीग सिंध में जेको आहे पंहिंजी जेका स्ट्रक्चर आहे उनखे चेंज कयो, बशीर मेमन साहब खे सदर कयो अथनि, ऐं उन खां पोइ जेको आहे हाणे हू बि इन्हनि जी जेका हिन वक़्तु मूवमेंट आहे सिंध में अगरि नून लीग जी, छा इहा बि का असर अंदाज़ थी सघे थी पॉलिटिकल सॼे सेनोरी खे? तव्हांखे जॾहिं एम क्यू एम में पी डी एम में शामिलु न पई थिए त तव्हांखे यादि हूंदो त राति ताईं उन कंडीशन रखियूं, उन में जेके कंडीशन इहे रखियूं त ॼण सिंध खे तव्हां ॿ द कयो। उन में त पीपल्स पार्टी अखियूं बंदि करे उनखे साइन कई, पर हू पियो चए न ज़मानत असांखे नून लीग ॾे, छो जो तव्हां शुरू खां वठी जेके इहे ॿ धुरियूं आहिनि उहे 1947 खां वठी उनजा मफ़ाद हिक ॿिए सां गॾो गॾु आहिनि। पोइ जॾहिं उनखे नून लीग उन ते साइन कई, तॾहिं वञी हुन इमरान ख़ान खे छॾे वञी पी डी एम में शामिलु कयो। ऐं ॿियो हू मुख़्तलिफ़ हवालनि सां हू पंजाब ऐं जेको कराची इन लाहौर ऐं कराची जेको आहे सफ़ा वेझा था लॻनि। सही। छाकाणि ॿिन्ही जो तालुक़ु इहो आहे त सिंध खे ख़तमु कजे, ॿिन्ही जो तालुक़ु इहो आहे त सिंध खे तबाह कजे, ॿिन्ही जो इहो आहे त सिंध खे पंहिंजा हक़ न मिलनि जेके अनफर्ड, ऐं चवनि इहो था त इन्हनि सां जेकॾहिं गॾिजनि था त सिंधी माण्हू न चाहींदे बि ज़रदारीअ खे या पीपल्स पार्टी खे वोट ॾींदो, माना इहो जेको बि आहे उहा अपार्ट फ्रॉम इहे अञा 3 महीना आहिनि, तंहिंजे करे उहो बाद में ॾिसबो त छा थींदो। पर चवण जो मक़सदु इहो आहे त नून लीग मुस्लिम लीग शुरूअ खां वठी सिंध जे मुफ़ादनि जे ख़िलाफ़ु कमु कयो आहे, ऐं सॼे मीडिया खे ख़बर आहे, असांजो एग्ज़ैक्टली। पर हिकिड़ो रुगो क्वेश्चन इहो आहे त जेकॾहिं हीअ इलेक्शन में सिलेक्शन थींदी, सिलेक्शन माना छा सिंधीअ में जेको वर्ड दॿा भरण वारी जेकॾहिं इलेक्शन थिए थी त पोइ जेको एम क्यू एम अखियूं बंदि करे नवाज़ लीग सां गॾु हूंदी, छो जो हुन ख़बर आहे त नवाज़ लीग जो प्राइम मिनिस्टर थींदो, पावर उन वटि हूंदो, तंहिंजे करे असां जहिड़ी रीति नवाज़ शरीफ़ साहिबु आया हिन दारा उहो हिकिड़ी वॾी ढील आहे, उन पोइ हिकिड़ो बैकग्राउंड आहे। त हिन वक़्तु अगरि जे अहिड़ी नूनर साहबु अगरि तव्हां सम्झो था इलेक्शन अगरि अची थिए थी ऐं नून लीग सां जेका मीरण साहब वारी ॻाल्हि खे खणी अॻियां वधायूं त नून लीग ऐं एम क्यू एम गॾु था थी वञनि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे केतिरो टफ टाइम, छा जेको मेयर ऐं उहो कुझु उहे इहा फार्मूला आहे। मां मीराणी साहबु इंडिकेटर ॾिनो आहे, मां तव्हांखे साफ़ु ॿुधायां थो त सेवनी ताक़तूं कीअं वधियूं विच मशर गुस्ता में। उहो इंडिजिनस जेको उतां जो माण्हू हो उनखे डिल्यूट करण लाइ, उनखे थोरडाई में अक़लियत में तब्दील करण लाइ उन्हनि ईअं कोशिशि कयूं, आहिस्ते आहिस्ते हाणे वञी ग़ज़ा में पहुता आहिनि। ऐं इमोशनल मक़सदु आहे, उन्हनि अहिड़ा सीन कया आहिनि जंहिंमें कॾहिं हमास भड़को खाई आई ऐं नतीजे अथनि उन्हनि खे नुक़सान पियो लैंड विञायूं। अहिड़े नमूने सां हिते जेके असुल धुरियूं आहिनि उहे इहे गेम कनि पियूं। मिसाल तरह हीअ मां त हीअ जेकी थी आहे नायब सदर ऐं सदर, मां नथो सम्झां त इहा त हिकिड़ो माण्हू आहे, ऐं नालो नथो खणा, उनजी मंशा त थी आहे ठीकु, छो त हू चाहे थो त नेशनलिस्ट मूं ते क्रिटिसाइज़ कंदा जेकॾहिं आउं ड्राइविंग सीट ते हूंदुमि, बशीर मेमण खे अॻियां आंदो हुयो आहे। ऐं उन्हनि धुरनि जी आहे त कराचीअ में मक़सदु आहे जीअं सेवनी ताक़त आहिस्ते आहिस्ते बदतरी पंहिंजो असरु सुख वधायो ऐं दॿा भरे इहो डिक्लेयर कंदा त बाबा उते त सिंधी आबादी खे वोट न अथनि। ऐं ॿिए नंबर ते ज़रदारी साहबु बुनियादी तरह कालोकी स्टेटमेंट ॿुधाए थी त उहो असुल धड़नि जी ॿोली ॻाल्हाए थो, अफ़गानी हिते रहिया पिया हुजनि, हुनखे परवाह कोन्हे सिंध जे मफ़ादनि जी, सिंधियुनि जी माण्हू जी परवाह कोन्हे। ऐं इहा इमोशनल कार्ड हमेशह जारी कंदा आहिनि त असां सिंध लाइ, त हुननि जो इतिहादु हू हुते खटींदा
ही सिंध अंदर वाकई माण्हू असांजो ॾिसो हिकिड़ो लिबरल माण्हू विज़डम असांजो कॾहिं कॾहिं मक़सदु आहे उन दौर ते बीह रहे थो त बाबा ॾिसो शहर असां खां वेंदा हुए माना ब्लैकमेलिंग आम सिंधी खे माण्हू खे ऐं सॼो सारो मैदान मक़सदु आहे ख़ाली आहे ऐं उनखां सवाइ असांजूं धुरियूं जेके सुञाणनि उहे मैदान खां ॿाहिरि आहिनि ऐं पीपल पार्टी वटि जॾहिं कलक तव्हां गौहर पैलेस जो जलसो ॾिसो त चवनि था त मां त राति दोस्तनि खे ॿुधायां पियो किथो आहे 5 अरब पर अॼु मूंखे अंदाज़ो थियो त जे गिफ्टूं आहिनि त 20 अरब उन्हनि ख़र्चु कयो आहे किरोड़ न ठीकु त हर वॾेरो एतिरो ई पैसो ख़र्चु करे जलसे जी हिकिड़ी ॻाल्हि त जेके मुख़्तलिफ़ धुरियूं आहिनि उहे उन्हनि बि शिरकत कोन कई न सागुड़ी हिन जलसे में खानगर वारे में दारिजा बिरादरी कोन आई ऐं उनखां अलावा जेके ॿिया माण्हू आहिनि उहे न त इहे जेके हाणे ज़ाहिर कुझु माण्हू आहिनि जेके परचंदा कुझु जेके आहिनि उहे मुखाल कुझु नाराज़गी जो इज़हार कंदा त हिकल वारो जेका जलसो या स्टेटमेंट हो ज़रदारी साहिब वारो उनखे कीअं था ॾिसो ॾिसो इहो वॾेरनि जी गेम आहे वॾो वॾेरो इक़्तदार खां परे नथो थी सघे सही एतिरे हद ताईं न जेकॾहिं उनखे साइकिल ऐं पोयां वज़ारत जो झंडो ॾियो न त उन में बि ख़ुशि आहे माना तव्हांखे मां तारीख़ी तौरु कयां त जिन्ना ऐं वायसरा जी गुफ़्तगू पई थिए त जिन्ना चयो त मां इन वॾेरे खे सॼे सिंध जे वॾेरनि खे 5 लखनि में ख़रीद करे सघां थो सही त उते हुन वायसरा चए थो त इहो त महांगा आहिनि मां 5 लखनि खां घटि सॼे सिंध जे वॾेरनि खे ख़रीद करे सघां थो इहो वॉलपर्ट पंहिंजे किताब में लिखियो आहे उहो रेफरेंस मूं वटि बि अञा ताईं हुनजी कापी आहे तंहिंजे करे सॼी दुनिया जे माण्हुनि खे ख़बर आहे त सिंध जो वॾेरो केतिरो निचाईअ सां हेठि पंहिंजो पाण खे खपाए थो उनखे इक़्तदार सां रहणो आहे उन मां फ़ाइदो वठिणो आहे उन मां रिश्वत वठिणी आहे ऐं उन जे रिटर्न में सिंध जा वसीला खपाईंदो ज़मीनूं खपाईंदो नौकरियूं खपाईंदो ॿियूं शयूं खपाईंदो सिंध जा जेके अज़ली जेके आहिनि असांजा मुफ़ाद आहिनि उनखे उहो तीन वाल कंदो सिर्फ़ु या त उहो इक़्तदार तंहिंजे करे हीउ जेको गौहर पैलेस आहे उहो बि इन जी हिकिड़ी कड़ी आहे सुभाणे ॿिए हंधि वेंदा टे हंधि वेंदा चौथे हंधि वेंदा पर वरी जेकॾहिं टेबल टर्न्स हिते त इहा ई ख़बर न हिकिड़ो बयानु रुगो कढंदा घोटकीअ मां त बाबा पीपल्स पार्टी जे हिन पॉलिसी जे ख़िलाफ़ु आहियूं तंहिंजे करे असांजो नून लीग था शामिलु कयो तंहिंजे करे ॾंड जा पखी आहिनि इन ते पाण ॻाल्हाए सघूं था बिल्कुलु अच्छा नूर साहिबु ही ज़रा हाणे जीअं चवंदा आहियूं त हिकिड़ो टाइम हूंदो आहे हिकिड़ो पीरियड हूंदो आहे मुसलसल अगरि सिंधी माण्हुनि सां अहिड़ी वेसाघाती थींदी रहे सिंधी माण्हुनि सां पर असां वटि को पब्लिक मां कंहिं अहिड़े क़िस्म जो रिएक्शन कोन थो अचे त जीअं हीअ एॾो वॾो जो बयानु हो ख़ासि तौर ते अगरि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो बयानु हो अॻवाननि जे लाइ या अहिड़े तरीक़े सां जेका तव्हां ॻाल्हि कई त आसिफ़ ज़रदारी साहिब जो बयानु हो त असांखां पब्लिकली जेको आहे उहो रिएक्शन बि कोन थो हालांकि असांखे किकावड़ ऐं गुस्से जो इज़हार करणु घुरिजे त असांजे मथां असांजे सिंधी मथां जेको एतिरो ख़तरनाक तरीक़े सां ॿार बि आहे उहे माण्हू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बि आहिनि उहे माण्हू जेको आहे असांखे मुसलसल तंग बि करे रहिया आहिनि हाणे त धमकाइनि पिया जेके हिते वेठा आहिनि उहे बि धमकाइनि पिया ऐं हुतां जेको आहे हुननि जी गवर्नमेंट बि धमकाए पई उन्हनि जी सपोर्ट थी करे त असां बि आवाज़ु कोन पिया उथारियूं फ़हीम साहिबु ॾिसो तव्हां त टीवी चैनल्स में वेठा हो मीडिया में वेठा हो त तव्हां इहा ॻाल्हि नोट नथा कयो त किथे बि नंढिड़ो वाक़ियो थिए थो त माण्हू रोडनि ते निकिरी अचनि हिन वक़्तु किथे बि नंढिड़ो वाक़ियो जनाब हज़रत दुरानी साहिबु 3 ॾींहं अॻु साफ़ी खे धारज साहिब खे हथु ॾिनो उनखां पोइ जेको ज़िलत जो निशान बणियो आहे सिविल सोसाइटी में त अॻु ईअं न थींदो हाणे सोशल मीडिया ॻाल्हाए थी ऐं यंगेस्टर मक़सदु आहे मिसाल तरह तव्हां ॾिसो न असां रिसर्चर ऐं मॉडल खणंदा ऐं नंढिड़ो वॾो मिटीअ जो ढिघ हुजे बि उन ते कुझु बि न थींदो पर 4 दाणा खंड जा उछलियो 50 न 1000 केविल वञी उते मां तव्हांखे पंहिंजे घर जो एग्ज़ाम्पल ॾियां मुंहिंजा ॿई नंढिड़ा निंगर मक़सदु आहे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कॾहिं बि मुंहिंजे महिमान सां हथु मिलाइण लाइ जेकॾहिं ॻोठ खां वॾेरो ईंदो आहे पीर बि ईंदा आहिनि मूं वटि न ईंदा आहिनि मूंखे चवंदा आहिनि बाबा इहो आयो छा जे लाइ इन जो कंट्रीब्यूशन छा आहे ठीकु मां कॾहिं उन सां बि रैश न थियो मां चवंदो आहियां यू आर वेरी मच करेक्ट पर असां पंहिंजी रवादारी रिश्ता तालुकात उहे निभाइणा पवनि था त उहा तव्हांजो डिफरेंस बिल्कुलु अथव समाज में हीअ जेकॾहिं इलेक्शन थी इलेक्शन जो रिज़ल्ट इहो त वॾेरो नफ़रत जो निशान थी चुको आहे हींअर तव्हांखे ॿुधायां ज़िलत जो निशान आहे ऐं जागीरदार लाशनि जी ॾाकिन ठाहे बि
ख़ासि तरह पीपल पार्टी जा जेके करता धरता आहिनि इहे इक़्तदारु हासिलु करणु चाहिनि था, पर सिंध मुज़ाहिमत कंदी, सिंध जो नौजवान मुज़ाहिमत कंदो, सिंध जी औरत मुज़ाहिमत कंदी, सिंध जो हारी ऐं मज़दूर अॻिते ईंदो, तव्हां इलेक्शन ॾिसंदा हुआ ऐं माण्हू बीहंदा हिननि सां नतीजनि खां बेख़बर सभई तजिया निकार जेकॾहिं को बि नतीजनि जी ॻाल्हि पर असां रिएक्शन जी था ॻाल्हि कयूं। मिरण साहब, ज़ाहिर अगरि सिलेक्शन ई थिए या वञी इलेक्शन थिए, पर असां पंहिंजो जेको पंहिंजे साइड खां पंहिंजे एंड खां जेका फाइट कयूं था या पंहिंजे एंड खां जेका वेड़ कयूं था, त उन में असां किथे बीठा आहियूं, असांजी आवाम किथे बीठी आहे? हिकिड़ी लाइन आहे, हिकिड़ा आहिनि सो कॉल्ड वफ़ाक परस पार्टी, जंहिंमें नून लीग बि अचे थी, पीपल्स पार्टी बि अचे थी, जमियत उल उलमा आहे, जेके जंहिंमें मौलाना आहे, फज़ल रहमान, इहे वफ़ाक परस पार्टियूं। ॿियूं आहिनि जेके शुरूअ खां वठी पाकिस्तान ठहण खां पहिरीं, पाकिस्तान जॾहिं ठहियो बि न हो तॾहिं आज़ादु सिंध वॾी कॉन्फ्रेंस थी, जंहिंजो आहे त सिंध खे बम्बई खां असां जुदा कयूं, उन खां वठी अॼु ॾींहं ताईं उहो असांजे सियासत जो तसलसल जेको असां वफ़ाक जी पार्टी जे उन्हनि जे पॉलिसी जे ख़िलाफ़ु आहियूं। तंहिंजे करे हू पंहिंजी महिनत कनि था, तव्हां ॾिसो त रोज़ु किथे न किथे मुज़ाहिरा पिया थियनि, को कहिड़ी पार्टी थी करे, नेशनल्स पार्टी खां के उहो कनि था, सोशल मीडिया ते तव्हांजो रिएक्शन ॾिसो था। बाक़ी जेको तव्हांजी इहा शायदि एक्सपेक्टेशन हुजे त वफ़ाक परस का अहिड़ी पार्टी सिंध जी हुजे जेका धारी आबादगारी जे ख़िलाफ़ु हुजे, उहो न कंदा न, उन्हनि जूं वागूं जेके आहिनि सो इस्लामाबाद में आहिनि, तंहिंजे करे जीअं पीपल्स पार्टी उन्हनि जे करे तव्हां फ़लस्तीन में धारी आबादगारीअ जे ख़िलाफ़ु मुज़ाहिरा आहिनि, सभु कुझु आहिनि, ऐं जेकॾहिं सिंध में धारी आबादगारी आहे त उहो क़बूलु आहिनि, इहा त तज़ाद आहे न, इहो केरु क़बूलु कंदो? ठीकु आहे, मिरण साहबु महिरबानी तव्हांजी, नोनर साहबु तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ईंदड़ प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान फ़हीम बबर खे ॾींदा इजाज़त। अलाह हाफ़िज़।